गुजरात के एक छोटे से गांव का लड़का इंडियन इंडस्ट्रीज की शान बन जाता है। बिग शॉट्स के इस पहले एपिसोड में हम इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी के बारे में बात करेंगे और इनके लाइफ के कुछ किस्से, फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशन हमारे अंदाज में आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ इंडियन बिग शॉट धीरूभाई अंबानी। Hey guys, hello, welcome back to my channel for the month and call rants. तो भाई आज हम ग्रो करने वाले एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को, जिनको आप लोग जानते होंगे, तो भाई आज हम ग्रो करने वाले हैं धीरूभाई अंबानी को, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहे और आज उनके उतने मुकाम तक पहुंचे और उनके पीछे उनका बहुत कुछ स्ट्रगल भी रहा होगा, तो उस स्ट्रगल के बारे में आज हम बात करने वाले और उनकी जो स्टोरी है वो भी हम आज स्लाइड में देने वाले हैं। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं हमारी न्यू ड्रॉइंग, लेट्स डू नाउ। फिर उतार चढ़ाव देखे पर किसी भी मुश्किल हालात के सामने ये बंदा झुका नहीं, हर मुश्किल का जवाब इस बंदे के पास था। धीरूभाई ने कभी भी अपने ऊपर का लाइमलाइट हटने नहीं दिया, वो हमेशा न्यूज में रहते थे, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, और निगेटिव पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी, इस बात को धीरूभाई बहुत अच्छे से जानते थे। तभी हर निगेटिव न्यूज को वो पॉजिटिव में बदल देते थे। जो अखबार धीरूभाई के बारे में निगेटिव न्यूज छापते थे, उन्हीं अखबारों में धीरूभाई सबसे ज्यादा एडवर्टाइज देते थे। मैंने तो ये भी सुना है कि अखबार के जिस पेज में रिलायंस या धीरूभाई के बारे में निगेटिव न्यूज होती थी, उसका अगला पूरा पेज रिलायंस की एडवर्टाइज से भरा होता था। निगेटिविटी और निगेटिव न्यूज को कैसे यूज करना है ये इस बंदे को बखूबी पता था। धीरूभाई जब यमन में पेट्रोल पंप पर काम करते थे, उस वक्त के उनके कुछ किस्से बड़े फेमस है। किस्सा कुछ ऐसा है कि उस वक्त यमन में चांदी के सिक्के चलते थे और रिसर्च करने पर धीरूभाई को पता चला कि उन सिक्कों में जो चांदी यूज होती थी, उस चांदी की कीमत उन सिक्कों की कीमत से कई ज्यादा थी। और इस मौके का फायदा धीरूभाई ने उठाया, उन्होंने इन सिक्कों को पिघलाकर लंदन के मार्केट में जाके बेचा, क्योंकि उस वक्त लंदन में चांदी की कीमत सबसे ज्यादा थी। कोई भी मौका ये बंदा नहीं छोड़ता था। उनका दूसरा किस्सा कुछ ऐसा है कि धीरूभाई जब पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे, वहां चाय 25 पैसे की मिलती थी और पेट्रोल पंप से थोड़ी दूर पर एक होटल था जहां चाय 1 रुपए की मिलती थी, पर यह बंदा 25 पैसों वाली चाय छोड़कर पेट्रोल पंप से दूर 1 रुपए वाली चाय पीने जाता था। साला लोग ये देखकर हैरान हो जाते थे, ना रहकर कुछ लोगों ने जब उनसे पूछा, तब धीरूभाई का जवाब कुछ ऐसा था कि उस होटल में तरह तरह के बिजनेसमैन लोग आते हैं और बिजनेस के रिलेटेड बातें करते हैं और मैं वही बातें सुनने जाता हूँ ताकि उससे कुछ सीख सकूं। दोस्तों फालतू चीजों पर खर्चे करने वाले लोग काफी होते हैं, पर जब कुछ सीखने की बारी आती है तो इनके अंदर का कंजूस आदमी जाग जाता है। पर लेजेंड कभी भी खुद के दिमाग पर खर्चा करने में कंजूसी नहीं करते, क्योंकि वो नॉलेज की वैल्यू जानते हैं और धीरूभाई भी उन्हीं में से थे। 1957 में धीरूभाई यमन से इंडिया वापस आ गए और कुछ ही महीनों में उन्होंने अपने कजिन भाई चंपकलाल दमानी के साथ रिलायंस कमर्शियल नाम से अपनी ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट कर दी। एक्चुअली रिलायंस नाम एक जनरल स्टोर का था जो धीरूभाई के जान पहचान में किसी बंदे का था। रिलायंस का मीनिंग होता है ट्रस्ट इन समवन और समथिंग। धीरूभाई को यह नाम इतना पसंद आया कि इन्होंने अपने कंपनी का नाम भी रिलायंस रख दिया। शुरुआत में रिलायंस मसालों की ट्रेडिंग करता था, पर कुछ ही महीनों में धीरूभाई ने टेक्सटाइल में भी एंट्री कर दी। शुरुआत से ही धीरूभाई का विजन बहुत बड़ा था, वो रफ्तार से अपनी कंपनी को बड़ा करना चाह रहे थे। यहाँ पर इनके पार्टनर की और इनकी सोच नहीं मिली और इसी वजह से ये दोनों अलग हो गए। इसके बावजूद इन्होंने अपने रफ्तार को कभी कम नहीं होने दिया। धीरूभाई एक साल तक लॉस में रहे जब नरोड़ा में उन्होंने अपनी पहली टेक्सटाइल मिल खोली, पर फिर भी बंदे ने हार नहीं मानी और अलग अलग टेक्निक्स लगाकर अपना सेल 90 लाख तक पहुंचा दिया। तब उनका प्रॉफिट 13 लाख रुपए था, जो कि उस वक्त बहुत बड़ा अमाउंट था। और जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में धीरूभाई का हाथ बैठ गया, तब 1975 में इस बंदे ने अपना खुद का क्लोथिंग ब्रांड विमल लॉन्च कर दिया। इस ब्रांड के प्रमोशन के लिए धीरूभाई ने कई नए नए टेक्निक्स यूज किए। उन्होंने कई शहरों में अपने ब्रांड के फैशन शोज करवाए और इसी वजह से विमल ब्रांड कई रिटेल शॉप्स पर बिकने लगा, जिसकी वजह से रिलायंस का नाम घर घर में लिया जा रहा था। दोस्तों रिलायंस इंडिया की ऐसी कंपनी थी जिसने सबसे पहले अपना IPO निकाला था। उस वक्त लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में इतना कुछ जानकारी नहीं था, पर धीरूभाई का इमेज मार्केट में इतना तगड़ा था कि बस धीरूभाई का नाम सुनकर रिलायंस के IPO में 58,000 इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया और इसी की वजह से रिलायंस रैपिडली ग्रो कर पाया। जब आप तरक्की के रास्ते पर होते हो, कामयाबी हासिल कर रहे होते हो, तब आपके बारे में नेगेटिविटी भी स्प्रेड होगी, लोग आपके बारे में गलत बातें भी करेंगे। पर अगर आपका सपना बड़ा है तब इन्हें जवाब अपने तरक्की से देना चाहिए और इस बात को धीरूभाई बहुत अच्छे से जानते थे। नेगेटिव न्यूज के जवाब में धीरूभाई अपना नेक्स्ट मूव पब्लिश कर देते थे, जिससे गॉसिप्स करने वालों के मुंह पर ताले लग जाते थे। जब धीरूभाई की डेथ हुई तब रिलायंस इंडस्ट्रीज की वैल्यूएशन 25.5
फ्रेंड्स कैसे लगे ध्रुव अंबानी की स्टोरी यार, उन्होंने उनकी लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल किया है और इतना सक्सेस पाया है यार। तो आप सबको धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो लास्ट तक देखा और मेरी ड्राइंग कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो ऐसे हम आपके सामने नए नए कंटेंट लाते रहेंगे और ऐसे आपको स्टोरी बताते रहेंगे। तो भी ऐसी न्यू वीडियो की तैयारी करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।